छे तरीक का मामला साडे ध्यान में आया कि उन्हें कुछ जिहड़ी है गलत हरकत की है तो पिछले 3 साल तो पार्टी साढ़े को रह रहे हैं तो पता लग्या पड़ताल करने कि पिछले 3 साल दौरान उन्हें कदे किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दिता। असी प्रशासन जिहड़ा है वो अपील की है कि इस मामले की जिहड़ी है वो तह तक पड़ताल की जाए तो जिहड़े भी दोषी सामने आउंदे है जे इस पार्टी के दोष है तो इन्हें सज़ा दी जाए तो नहीं तो जिन्हां ने बेवजह जिहड़ी इस पार्टी ने कुटमार की उन्हां नूं भी सज़ा दी जाए। मामले की पड़ताल की जाए कि असल वजह की है, मामले की असल जिहड़ी है जड़ की है, फिर उस तो बाद ही जिहड़ा है वो कार्रवाई की जाए। हाँ जी ये भी साडे ध्यान में आया मामला, असं इस करके प्रशासन को कहा भी पड़ताल करो जे इस तरह का ही मामला है कि देग तो इनकार किया इस तरह की गलबात हुई है तो फिर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये ना बलविंदर सिंह अपने इतने पटवारी कलोनी है इतने तरौड़ी साहब उत्थे इन्हें अपने घर खंड पाठ रखाया से खंड पाठ रखने दौरान एक करण सिंह जरा पाठी से यह जो अंदर आया कमरे च आया तो पाठी सिंह मोबाइल से अपनी गलत फिल्मा देख रहा है तो थुक नाल पन्ने वर्क वट रहा है तो जिन्हें आके रोकया उन्होंने तो उन्होंने गालां कड़ियां उन्हें भी क्यों मैंने रोकया तू तो जिसते मुकदमा 295 तहत थाना तलवंडी साहब दर्ज कर लिया। गुरलाल सिंह है जी। अच्छा गुलाल जी तुहाडे की लगदे ने की गलबात होई सा दसो तुहाने की सी? ये भरा लगदे हैगे जी मेरे ते पाठ करन गए सीगे जी बलविंदर सिंह दे घर तलमंडी साबो की जी। अच्छा, पटवारी कनौली च रहिंदे हैगे उह उहनां दा मकान हैगा ते उहनां दे घर पाठ करन गए होए सीगे इह ते सुबह भोग पैणा सीगा जी। पहलां वी उहनां ने एक दो बार वह कर इन्हों आप में विचार होए जो इन्होंने पूछा भी तड़के आप भोग पैना गा देग बनाने वास्ते भी कि वह करिए उन्होंने कोई माड़े शब्द बोले आख्या गा भी यहाँ फॉर्मेलिटियां पूरी होंगे इन्होंने आख्या भी ऐसे शब्द ना तुसी बोलो महाराज की बेअबदी वाले शब्द ना बोलो तुसी ते वो जी ज़्यादा बोल दे गए तो बस उतों इन्हों का झगड़ा हो गया। उन्होंने परिवार के मैंबर ने रल के ये कुटमार की जी इन्हें आख्या सी भी महाराज की बेअबदी के शब्द ना तुसी बोलो जी। ये तो बलविंदर सिंह ने ते इन्होंने घर के परिवार मैंबर ने रल के ते हमला की कराया जी, कुटमार की ते बहुत ही ज़्यादा सट्टा ने जी, गंभीर हालत च ने ते सिर च सट्ट हैगी अपने टूई च सरत हैगी फिर पता लग्या जद फोन गया रिश्तेदार ने ओह करया आए पहुँचे उन्नी तुरंत ही लैके इन्हां नूं हस्पताल पहुँच गए जी ते उत्थे आ गए उत्थे कुट मार के सिड़ता सीगा जी उन्होंने तो तलमंडी नहीं उन्हां दी मन दी कारवाई होनी चाहीदी है जी। ये जी साडी तां इही मंग हैगी ते भी उन्हां दे कारवाई होनी चाहीदी हैगी जी ते महाराज नूं ते उस ते बेअबदी होई हैगी। अच्छा पता ये भी लग गया कि उन्होंने कहा कि इस गुलों कुटिया के ये बेअदबी कर रहे थे कोई अश्लील हरकत कर रहे थे ऐसा कुछ हैगा मामला कोई? नहीं जी ऐसा कोई नहीं है तो वैसी गल्ला मांग रहे हो बेगनाही दियां आप दियां गल्ला सबूत वह कर रहे हैं जी। ऐसी गल हो गई जी कै 4 साल हो गए इन्हों उत्थे ड्यूटी करदे नूं तख्त ते जी ऐसी तक कोई भी गल नहीं हैगी जी है। असी उन्होंने कार्रवाई यही जो उन्होंने ये हरकत की उन्होंने बनती कार्रवाई होनी चाहिए है, इंसाफ मिलना चाहिए जी सानू। अमनदीप सिंह जी। अमनदीप सिंह। अच्छा अमनदीप तुहानू कदों पता लग्गिया की गलबात होई जिहड़ा सारा कुछ होया जे सानू अपना 8:30-7:30 बजे कॉल आई है जी दसा गया क्या भी तुहाडे रिश्तेदार ने इत्थे उत्थे उन्होंने थाने च चक के लै गए लड़ाई हो गई सी ते तुसी आके मिल लो उन्होंने ते असी जदों गए इत्थे तलवंडी साबो आए थाने च उन्होंने बेपनाह कुटमार करके उन्होंने थाने मूहरे सिट रखा सीगा जी
ਤੇ ਬੇਸ ਉਹਦੀ ਪਏ ਸੀਗੇ ਅਧਮਰਿਆ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਇਤਲਾਹ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਲਿਆਏ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਲਟਾਂ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਆ ਸਭ ਇਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਗਾ ਪਾਠ ਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਉ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੱਟਦਾ ਵੱਧਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਬੇਅਬਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਜਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅਬਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ